नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्या। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। और सबसे पहले रुख लखनऊ का करेंगे। सपा की राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी भंग, सपा के युवा संगठन प्रकोष्ठ और महिला सभा भंग, सपा यूपी अध्यक्ष को छोड़कर सभी संगठन भंग। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने की बड़ी कार्रवाई, लगातार समीक्षा बैठकों के बाद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी यूपी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम बने रहेंगे। तो देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार समीक्षा बैठकों के बाद समाजवादी पार्टी में ये सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा। तो देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा यह बड़ी कार्रवाई की गई है। लगातार समीक्षा बैठकों के बाद समाजवादी पार्टी में सबसे बड़ी कार्रवाई। हालांकि आपको बता दें कि सपा यूपी अध्यक्ष को छोड़कर सभी संगठन भंग कर दिए गए हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ ओम पांडे हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख ओम का करेंगे और जानकारी लेंगे। ओम, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? सपा के राष्ट्रीय और राज्य कार्यकारिणी भंग कर दिए गए हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जानकारी इसको लेकर? पहले समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है। इस ट्विटर में साफ तौर से जिस तरह से उल्लेख है उनमें कहा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी अखिलेश यादव, प्रदेश अध्यक्ष यानी नरेश उत्तम पटेल को छोड़ करके सभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की बात करें, युवा संगठनों की बात करें या फिर जो भी संगठन हैं उनको तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। अखिलेश यादव ने जिस तरह से इस एक्शन की बात करें, इसके पहले लगातार जहाँ कार्यकारिणियों के साथ, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक लगातार कर रहे थे और ऐसे में 2022 के चुनाव परिणाम हों या हाल ही में लोकसभा के उपचुनाव में परिणाम आए हों, इसके पहले अगर बात करें तमाम जिस तरह से समाजवादी पार्टी में लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे थे, कार्यकर्ताओं के संगठन को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे और ऐसे में माना जा रहा था कि आखिर अखिलेश यादव जो है वो बड़ा एक्शन ले सकते हैं। और यही वजह है कि जिस चीज़ों को लेकर लगातार कवायद की जा रही थी आखिरकार उस पर मोहर लग गई है और अखिलेश यादव ने एक बड़ा एक्शन लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इसके पहले जब 2022 का चुनाव था और ऐसे में कई ऐसे नेता थे जिनको लेकर के लगातार शिकायत समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर स्वयं अखिलेश यादव को दी जा रही थी कि पार्टी और संगठन में समन्वय नहीं बन पा रहा है। हाल ही में इस तरह के तमाम बयान भी सामने आए थे जब कुछ ऐसे जो संगठन जो गठबंधन हुआ था उसमें कुछ ऐसे नेता थे जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से इस तरह की शिकायत भी की थी कि 2022 में जब वो लगातार जनता के बीच में थे या कोई कार्यक्रम करना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं आपस में कार्यकर्ताओं यानी कार्यकारिणी के सदस्यों और कार्यकर्ताओं में आपस में सामंजस्य नहीं बन पाया और ऐसे में तमाम शिकायतों को लेकर अखिलेश यादव ने जहां लगातार पार्टी मुख्यालय पर बैठकों का दौर किया, इसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों के साथ लंबी बैठक की और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर कवायद लगाई जा रही थी कि आखिर क्या अखिलेश यादव बड़ा एक्शन लेंगे। और जाहिर सी बात है आज वो एक्शन अब शुरू हो चुका है। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बात करें, युवा संगठन की बात करें या हम बात करें जिस तरह से लगातार इस कार्यकारिणी में कई ऐसे नेता थे जिनको बड़े दायित्व तो दिए गए थे उनको लेकर बात कही जाए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक्शन जो है वो अखिलेश यादव के द्वारा ले लिया गया है। और ऐसे में अगर बात करें राष्ट्रीय कार्यकारिणी, महिला कार्यकारिणी या युवा संगठन, उन तमाम संगठनों को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया है और ऐसे में अब माना जा रहा है कि आगामी
आने वाले समय में जो है वो नई कार्यकारिणी और नए पदाधिकारियों को जो है जिम्मेदारी दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां आपस में समन्वय की बात है वो समन्वय स्थापित होगा और निकाय चुनाव भी है आने वाले समय में, और इसके साथ साथ 2022 के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव भी है। ऐसे में माना जा रहा है कि ये कार्यकारिणी कहां एक तरफ जहां भंग हुई है, नई कार्यकारिणी का गठन होगा। ऐसे में नए कार्यकर्ताओं को जो जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता थे जिन्होंने 2022 में जमीनी स्तर पर काम किए हैं, उन काम करने वाले कार्यकर्ताओं को समाजवादी पार्टी तवज्जो दे सकती है, बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। वहीं जो लगातार जिनकी शिकायतें मिल रही थी उन पर अखिलेश यादव का जो है बड़ा एक्शन भी हो सकता है। कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर लगातार जिस तरह से चीज़ें सामने आ रही थी, ऐसे में माना जाता है कि एक तरफ जहां बड़ा एक्शन अखिलेश यादव के द्वारा लिया गया है, दूसरी तरफ जिस तरह से बात करें कई ऐसे बड़े नेता हैं, चाहे सौम्य प्रसाद मौर्य की बात करें या इसके साथ साथ कुछ और बड़े नेता हैं जिनको लेकर लगातार कवायद की जा रही थी कि इन्हें बड़ी जिम्मेदारी आने वाले समय में मिलेगी। तो ऐसे में ऐसे नेताओं को जहां एक तरफ बड़ी जिम्मेदारी जो है वो समाजवादी पार्टी देगी, तो दूसरी तरफ जिन नेताओं को लगातार बूथ स्तर पर शिकायतें मिल रही थी उन पर एक्शन भी जो है अखिलेश यादव लेते हुए नजर आएंगे। तो अपने आप में आज जिस तरह समाजवादी पार्टी को लेकर के ये ट्वीट जो है वो किया गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है। अब आने वाले समय में देखने वाली बात यही रहने वाली है कि आखिर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी शिकायतें जो है प्रदेश मुख्यालय पर पहुंची थी, उन पर किस तरह से एक्शन लिया जाएगा, और दूसरी तरफ कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनको जो है जो समाजवादी पार्टी जो है बड़ी जिम्मेदारी देगी, क्योंकि आने वाले समय में 2024 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव होना है। और हाल ही में उपचुनाव में जिस तरह से जो कुनबा है, यानी जो जहां माना जाता था कि समाजवादी पार्टी का अपनी एक पैठ है, अपना एक वोट बैंक है, वहां से भी हाथ धोना पड़ा है समाजवादी पार्टी को, और बीजेपी ने उन दोनों जगहों पर रामपुर और आजमगढ़ में विजय दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब एक नई समीकरण और नई राजनीति के तहत कहीं ना कहीं बूथ स्तर पर कैसे मजबूत किया जाए, बूथों की बात करें, जिन बूथों पर कम वोट बैंक से जो है क्या कुछ समाजवादी पार्टी की रहती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए। सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।